Yeah. तो भाइयों, Oneplus 70 लॉन्च हुए हुए एक हफ्ता हो गया और मैं को पता है मैं एक हफ्ता लेट हूँ, बट गाइस सॉरी फॉर दैट, बट हाँ बेटर लेट देन नेवर, तुमने तो सुना ही होगा। तो आज मैं Oneplus 70 के बारे में बात करूँगा कि हमें वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आप Oneplus 7 और 7 Pro ले रहे यूज़ कर रहे हो, Oneplus 7 Pro के यूज़र्स तो कभी ऑब्वियसली नहीं करेंगे अपडेट, बट अगर आप Oneplus 7 यूज़ कर रहे हो तो क्या आपको लेना चाहिए वो फ़ोन या नहीं Oneplus 70, यही बताऊंगा, और प्रीवियस यूजर्स को अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, और अगर आप न्यू यूज़र हो, अगर आपको Oneplus का डिवाइस एक्सपीरियंस करना है तो क्या आपको वो लेना चाहिए या नहीं, ये सब मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं Oneplus 7T के बारे में स्पेक्स बताना चाहूँगा। इसके स्पेक्स में तुम्हें 90 हर्ट्ज़ की फ्लूइड डिस्प्ले मिल जाएगी, तीन रियर कैमरा का सेटअप मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर के साथ आता है ये फ़ोन, वॉक चार्ज 30 वॉट के साथ आता है ये फ़ोन, प्राइसिंग इसकी स्टार्ट होती है 38K से, दो वेरिएंट्स में आता है 128GB एंड 256GB, दो कलर्स में आता है ग्लेशियर ब्लू एंड फ्रॉस्टेड सिल्वर, और साइज स्क्रीन साइज मिल जाता है तुम्हें 6.55 इंचेस का, तो ऑब्वियसली फ़ोन काफ़ी बड़ा होगा। तो अगर मैं बात करूँ अब फाइनली स्पेक्स की हो गई है तो कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं, तो गाइस अगर मैं सच बताऊँ तो Oneplus 7 यूजर्स को कोई सेंस नहीं बनता अपग्रेड करने का, क्योंकि आपका फ़ोन 33K में आया था, तो आपने ऐसा नहीं है कि Oneplus 7 Pro Oneplus 70 को उस प्राइस में रेंज में Oneplus ने रिलीज़ किया, और सच बताऊँ तो Oneplus 7 का कोई सेंस नहीं है कि वो इस बार Oneplus इसको डिसकंटिन्यू करेगी, क्योंकि जो Oneplus 70 है वो जस्ट जो Oneplus 7 और 7 Pro के बीच में प्राइस गैप था ना 18K का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको कवर करने के लिए, उस गैप को कम करने के लिए इन्होंने ये फ़ोन लॉन्च किया। तो ये सोच के अगर तुम ना करो अपग्रेड तो बेटर सेंस रहेगी, क्योंकि अपडेट और सिक्योर के हिसाब से तुम्हारा Oneplus 7 अब एक साल तो आराम से सिक्योर रहेगा, एटलीस्ट सिक्स टी में तो ऐसा था कि सिक्स डिसकॉन्टिन्यू हो गया था, बट इस बार Oneplus से बहुत अच्छा किया कि अपना डिवाइस डिसकॉन्टिन्यू नहीं किया जो इस साल ही आया, तो मेरे हिसाब से ये बेटर किया। और काफ़ी लोगों को जो Oneplus 70 का डिज़ाइन है बैक कैमरा का वो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब एक तक तो मैंने सोच लिया था कि ये शायद Motorola का डिवाइस मैंने पकड़ा हुआ हाथ में, एक टाइम पे Motorola ऐसा डिज़ाइन देती थी, पता नहीं Oneplus को क्या हो गया, एप्पल को कॉपी करने चला था और इतना घटिया डिज़ाइन निकाल दिया, पीछे से मुझे अच्छा नहीं लगा डिज़ाइन पर्सनली सर बताऊँ तो। फ़ोन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले है, सब कुछ है उसके अंदर, बट डिज़ाइन मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसका। और मैं सच बताऊँ तो गाइस Oneplus 70 पे तभी अपग्रेड करो अगर आपके पास Oneplus 5 और 5T है, Oneplus 6 और 6T यूजर्स को कोई सेंस नहीं बनती, अगले साल आराम से करना, क्योंकि तुम्हें Oneplus 6 और 6T अभी भी बहुत अच्छे डिवाइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें। हाँ मैं मानता हूँ कैमरा अब कैमरा ज़्यादा आने का डिफरेंस हो गया, 48 मेगा पिक्सल आ चुकी है टेक्नोलॉजी, 64 मेगा पिक्सल भी आ चुकी है क्वालिटी, बट गाइस वो सब जस्ट अ नंबर है, रियल लाइफ में अगर तुम जी कैम इंस्टॉल कर लो तो तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, जी कैम इंस्टॉल करने से बल्कि कैमरा क्वालिटी मेरी बात, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम वीडियो में चलते हैं ब्लॉग में, और मैं तुम्हें वहाँ पे डिवाइस शो करूँगा Oneplus 70, उसके दो कलर्स के साथ तुम्हें दिखाऊंगा अपने डिवाइस का एक्सपीरियंस, और तुम्हें 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले स्क्रीन पे पता चलेगी कैसी है। तो गाइस हम आ गए हैं फाइनली Oneplus 70 पे, ये है मेरे पास सिल्वर कलर मतलब ग्रे कलर, और तुम देख सकते हो कि फ़ोन का डिज़ाइन पीछे से Motorola जैसा ही लग रहा है, नोकिया लूमिया बोल लो या Motorola बोल लो, और फ़ोन कुछ इस टाइप का है, तीन कैमरा सिस्टम तुम्हें मिल जाते हैं रेयर के, 48 मेगापिक्सल, ये स्पेक शीट है तुम्हारे सामने, और गाइस तुम देख सकते हो मैं फ़ोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ, 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले की, कैमरा सेटअप सब कुछ सेम है, Oneplus का डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो सब कुछ सेम ही लगेगा तुम्हें, एज सच UI में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये फ्रंट कैमरा है के 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा तुम्हें मिल जाता है, और अगर हम बाहर चले वापस तुम देख सकते हो ये फ़ोन इस सेटिंग्स में, तो मैं लेके चलूँ, मेरे को देख लिया आप, देख लीजिए अब कितनी प्रॉब्लम हो रही है, फ़ोन इतना बड़ा है ना गाइस सीरियसली, मतलब हाथ पर उठाया नहीं जा रहा है, एक हाथ से तो यूज़ कर ही नहीं सकते आप इस डिवाइस को, जैसे कि Oneplus 6 है बड़ा आइडियल साइज़ है फ़ोन का, आराम से तुम एक हाथ से यूज़ कर सकते हो, बट ये वाला डिवाइस कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तुम यूज़ नहीं कर पाओगे एक हाथ से, मुझे अपनी फ्रेंड की मदद लेनी पड़ रही थी उस टाइम पर इसको वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, देख सकते हो कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है,
फ़ोन के अंदर 90Hz डिस्प्ले तो तुम्हें खुद यूज़ करके पता चलेगी। वीडियो में बस मैं स्मूथनेस दिखा सकता हूँ अगर तुम्हें थोड़ा फील हो। मैंने क्रोम जैसे ऑन कर रहा है, अब तुम्हें यहाँ से बता पाऊँगा डिवाइस की स्मूथनेस को, तुम देख सकते हो। अब यहाँ से मेरा फ्रेंड स्क्रॉल डाउन करेगा और आप देख सकते हो कि कितनी स्मूथनेस है डिस्प्ले में, काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस है, देख सकते हो तुम। ये वीडियो में पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता गाइस, स्मूथनेस देख पा रहे होगे तुम कितनी ज़बरदस्त स्मूथनेस है। मतलब हल्का सा भी लैग नहीं दिखेगा डिस्प्ले। 60Hz डिस्प्ले और यूज़ करके देखो और इस 90Hz डिस्प्ले को यूज़ करके देखो, पता चल जाएगा। हालांकि एसूस ROG फ़ोन 2 में भी तुम्हें मिलती है डिस्प्ले, लेकिन OnePlus की जो वैल्यू है, सर्विस है, वो सब माइल्स वे बेटर है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी OnePlus का ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैं तो OnePlus ही रिकमेंड करूँगा अगर तुम्हें लेना है तो, क्योंकि कंपनी ब्रांड वैल्यू भी एक नाम की चीज़ होती है गाइस। एसूस में मुझे सिर्फ लैपटॉप्स में वो चीज़ लगती है, लेकिन फ़ोन्स में मैं एक टाइम पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर सकता। तो आई होप गाइस तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है इस वीडियो को लाइक दे देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।